हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ऋषभ कपूर websofttutorials.com से। इस ट्यूटोरियल में हम पीएचपी सिलेक्ट क्वेरी के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम सिलेक्ट क्वेरी की मदद से डाटाबेस टेबल से डाटा को फेच कर सकते हैं। तो ये है हमारा डाटाबेस टेबल। आप इसके कॉलम्स देख सकते हैं, आईडी, नेम, ईमेल एड्रेस और ज्वाइनिंग डेट। और ये सारा डाटा है जो कि हम इस ट्यूटोरियल में फेच करेंगे पीएचपी सिलेक्ट क्वेरी की मदद से। फ्रेंड्स, मैं इस ट्यूटोरियल को कुछ वीडियोस में डिवाइड करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आपको सारी की सारी सिलेक्ट क्वेरी एक ही ट्यूटोरियल में पढ़ाऊं, जिससे कि आपको ये समझना काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। तो मैं इस ट्यूटोरियल को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, मीन्स मैं सिलेक्ट क्वेरी के ट्यूटोरियल को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। तो इस पार्ट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें मैं आपको खाली बताऊंगा कि कैसे आप सिलेक्ट क्वेरी की मदद से डाटा को फेच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कनेक्शन फाइल को इंक्लूड करेंगे इस डॉक्यूमेंट में, जो कि है कनेक्शन डॉट पी एच पी। तो मैं इसको सबसे पहले इसको टॉप पे इंक्लूड कर देता हूँ। मैं पी एच पी टैग्स लिखता हूँ। इस कनेक्शन फाइल में हमने डाटाबेस के साथ कनेक्शन बनाया है क्योंकि सबसे पहले डाटा को फेच करने के लिए या मीन्स कोई भी क्वेरी चलाने के लिए सबसे पहले ये जरूरी होता है कि आपका डाटाबेस कनेक्शन बना होना चाहिए। तो मैं इस कनेक्शन फाइल को इंक्लूड करता हूँ टॉप पे, इंक्लूड कनेक्शन डॉट पी एच पी। तो ये फाइल मैंने इंक्लूड कर दी और ये जिसमें मैंने इंक्लूड की है उस फाइल का नाम है सिलेक्ट डॉट पी एच पी। मीन्स हमने कनेक्शन डॉट पी एच पी फाइल को सिलेक्ट डॉट पी एच पी फाइल में इंक्लूड किया है, जिसमें कि हम अपना पी एच पी कोड लिखेंगे और डाटा को फेच करेंगे। रीलोड, तो आप देखेंगे सब कुछ ठीक से काम कर रहा है। तो अब मैं बॉडी टैग के अंदर जाऊंगा, यहाँ पे सबसे पहले पी एच पी टैग्स लिखूंगा क्योंकि हम पी एच पी कोड यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे MySQL क्वेरी, जो कि MySQL का फंक्शन होता है क्वेरी को रन करने के लिए। ये इनबिल्ट फंक्शन है पीएचपी का। उसके बाद डबल कोट्स, और डबल कोट्स के अंदर हम सिलेक्ट क्वेरी लिखेंगे। तो मैं लिखता हूं सिलेक्ट स्टार। हमने स्टार इसलिए यूज किया क्योंकि हम अगर आप सभी के सभी कॉलम्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे आईडी, नेम, ईमेल एड्रेस, ज्वाइनिंग डेट, अगर आप सभी के सभी कॉलम्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप स्टार यूज करेंगे, जिसको कि आप एस्टेरिक साइन भी बोलते हैं। आप इसमें स्पेसिफिक कॉलम्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे आप स्पेसिफिक कॉलम्स सिलेक्ट कर सकते हैं। मीन्स अगर आप सारे कॉलम्स नहीं सिलेक्ट करना चाहते तो आप सिलेक्ट स्पेसिफिक कॉलम्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस ट्यूटोरियल में हम सभी कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे, तो इसलिए मैं एस्टेरिक साइन यूज करता हूँ। सिलेक्ट स्टार, उसके बाद आएगा फ्रॉम, उसके बाद लास्ट में आएगा टेबल नेम, और टेबल का नाम है स्टूडेंट्स रिकॉर्ड। तो मैं टेबल नेम लिखूंगा स्टूडेंट्स अंडरस्कोर रिकॉर्ड। तो ये हमने सिलेक्ट क्वेरी चलाई, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट रिकॉर्ड। अब मैं ब्राउजर में जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, कुछ भी नहीं अपेयर होगा, डिस्प्ले नहीं होगा स्क्रीन पे क्योंकि हमने अभी कोई भी डाटा प्रिंट नहीं किया है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस जो MySQL क्वेरी है इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूं। क्वेरी आप कोई भी नाम दे सकते हैं वेरिएबल का, क्वेरी इक्वल टू MySQL क्वेरी। मैंने इसको इसलिए यहाँ पे स्टोर कर लिया क्योंकि मेरे को अगर इसकी जरूरत दोबारा पड़ेगी तो मेरे को दोबारा इसको नहीं लिखना पड़ेगा। मैं खाली इस वेरिएबल की रेफरेंस से इसको पूरी की पूरी क्वेरी को यूज कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, जो MySQL पीएचपी में डाटा को राइट करने के लिए, मीन्स फेच करने के लिए, शो करने के लिए, सॉरी, वाइल स्टेटमेंट यूज की जाती है। तो मैं वाइल लूप यूज करूंगा, वाइल उसकी ब्रैकेट्स और दो कर्ली ब्रैकेट्स, और इसमें मैं लिखूंगा MySQL अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एरे। और MySQL फेच एरे इनबिल्ट फंक्शन है पीएचपी का, जो कि जो डाटा है, क्वेरी डाटा है, उसको एरे की फॉर्म में फेच करता है, मीन्स एरे की फॉर्म में ग्रैब करता है या फेच करता है, आप कुछ भी कह सकते हैं। MySQL फेच एरे, उसके बाद हमने क्वेरी का रेफरेंस दे दिया, मीन्स हमारे को ये क्वेरी दोबारा यहाँ पे नहीं पूरी लिखनी पड़ी, हमने खाली रेफरेंस के इस वेरिएबल के रेफरेंस से इसको यूज कर लिया। मीन्स जो भी डाटा इस क्वेरी से आएगा वो एरे के मीन्स एज एन एरे फेच होगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको एक और वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। तो मीन्स जो भी डाटा आएगा MySQL फेच क्वेरी फेच एरे की मदद से, जो भी एरे की फॉर्म में डाटा आएगा वो हमने स्टोर कर दिया रिजल्ट वेरिएबल के अंदर। अब मैं इसको एको करवा के देखता हूँ। फ्रेंड्स, अभी आप ज्यादा कंफ्यूज मत होना क्योंकि मैं आने वाले ट्यूटोरियल्स में आपको बताऊंगा कि कैसे आप पीएचपी जो डाटा आप टेबल से रिट्रीव कर रहे हैं उसको कैसे आप टेबल में एज इन टेबल में शो कर सकते हैं, कैसे आप उसको एक अनऑर्डर्ड लिस्ट में शो कर सकते हैं, कैसे आपको उसको सिलेक्ट लिस्ट में शो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लगता हूँ एको रिजल्ट। तो आप देखेंगे
रिफ्रेश एरे 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 मीन सिक्स टाइम एरे, तो मैं यहाँ पे बी आर टैग लगा देता हूँ। तो आप देखेंगे सिक्स टाइम एरेस, क्योंकि यहाँ पे सिक्स रोज हैं, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था जो भी हमने डाटा फेच किया था MySQL फेच एरे फंक्शन की मदद से, उसको एक एरे के रूप में मींस एज एन एरे हमने फेच किया था और इस वेरिएबल में स्टोर कर दिया था, मींस अब इस वेरिएबल में एरे है। तो हम एरे को डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते, आपको पता है कि एरे को लिखने के लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करनी पड़ती हैं, उसके बाद सिंगल कोट्स, और सिंगल कोट्स के अंदर आप जिस फील्ड को जिस कॉलम को फेच करना चाहते हैं आप उसका नाम लिखेंगे। तो मैं लिखता हूँ नेम, रीलोड, आप देखेंगे ऋषभ ऋषभ नमित कामरान नाथन बॉब रोहित, आप देखेंगे ऋषभ नमित कामरान नाथन बॉब रोहित, मीन्स इस तरह से आप डाटा को शो कर सकते हैं। मैं आने वाले ट्यूटोरियल्स में भी आपको बताऊंगा कैसे आप डाटाबेस डाटा को टेबल्स में या किसी और तरीके से शो कर सकते हैं, मैं खाली आपको बता रहा हूँ कि कैसे स्टैक सेलेक्ट करी डाटा रिट्रीव कर रही है। तो हमने यहाँ पे नेम लिखा, हम यहाँ पे ईमेल भी लिख सकते हैं, ईमेल करेंगे तो सभी की सभी ईमेल शो हो जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे करता हूँ नेम, मैं फिर यहाँ पे एको स्टेटमेंट यूज करता हूँ ईमेल को प्रिंट करने के लिए, ईमेल डॉट बी आर टैग नेक्स्ट लाइन के लिए, उसके बाद ये जो डॉट हमने यूज किया है आपको पता होगा ये कंकैटिनेशन ऑपरेटर है। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप देखेंगे ऋषभ ऋषभ की ईमेल एड्रेस, नमित नमित की ईमेल एड्रेस, करण करण की ईमेल एड्रेस, नैथन नैथन की ईमेल एड्रेस, मीन सबसे इसने पहले ही रोज से डाटा फेच किया उसको प्रिंट किया, फिर सेकेंड रोज से डाटा फेच किया, फिर थर्ड और सो ऑन, इस तरह से इसने डाटा को फेच किया। हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, सबसे पहले मैं बी आर टैग हटाता हूँ, कंकैटिनेशन ऑपरेटर डबल कोट्स यूज करता हूँ, डॉट फिर कंकैटिनेशन रिजल्ट, मैं ईमेल की जगह अब एड्रेस लिख देता हूँ, मीन्स मैं एड्रेस कॉलम को फेच करता हूँ, आप देखेंगे ये एड्रेस, मैं रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे मैं बी आर टैग यूज करता हूँ ताकि ये नेक्स्ट लाइन में चला जाए। रिफ्रेश, आप देखेंगे ऋषभ इंडिया। तो यहाँ पे मैं एक चीज और कर सकता हूँ, इन डबल कोट्स के अंदर मैं लिखता हूँ इज फ्रॉम ऋषभ इज फ्रॉम इंडिया, नमित इज फ्रॉम इंडिया, कामरान इज फ्रॉम न्यू दिल्ली, नाथन इज फ्रॉम यूएस, बॉब इज फ्रॉम कनाडा, रोहित इज फ्रॉम पंजाब। तो मीन्स इस तरह से आप डाटा को फेच कर सकते हैं। तो ये हमने डाटा को फेच कर लिया डाटाबेस टेबल से। हम सिलेक्ट क्वेरी को और भी कई तरीकों से यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हम स्पेसिफिक कॉलम्स यूज कर सकते हैं, मीन्स स्पेसिफिक कॉलम से डाटा फेच कर सकते हैं, मीन्स सभी कॉलम्स को सिलेक्ट करने के बजाय हम स्पेसिफिक कॉलम्स को फेच कर सकते हैं, हम डाटा की सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो मैं वो आपको आने वाले ट्यूटोरियल्स में पढ़ाऊंगा। तो ये था कि कैसे आप डाटा को सिलेक्ट क्वेरी की मदद से डाटाबेस टेबल से फेच कर सकते हैं। मेरे ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोस के बारे में रिसेंट अपडेट्स मिलती रहे। हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं।